नाइट नॉट गुड मॉर्निंग। रात के 11:46 हो रहे हैं, ये रात का टाइम है। आपको दिखा देती हूँ मैं कि ये रात का टाइम है, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। 11:46 AM हो रहा है। मैं थोड़ा बाहर गई थी कुछ काम से, मेरे पर्सनल बहुत काम होते हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ये यूट्यूब एंड ऑल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, बट तो भी मैंने सोचा कि चलो मैं रात में जैसे अभी काम कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे को टाइम कितना हो जाता है, मैं कौन सा टाइम पर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मैंने ये स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया है ये बताने के लिए कि हम वीडियो मतलब यूट्यूब हमारा जो करियर हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है। सो ये रात का मेरा मतलब ब्लॉग बोल सकते हैं। मैं रात में ही सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख देती हूँ ताकि सुबह उठते मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, फिर पूरा दिन मैं वीडियोज़ बना देती हूँ और रात में अपलोड करती हूँ। खाना खाया नहीं था इसलिए मैं राइस लगा रही हूँ, राइस और सब्ज़ी खाने वाली हूँ मैं, क्योंकि और मैं कुछ बना नहीं सकती थी अभी इस वक्त, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। बट मैं राइस और सब्ज़ी में खुश है, बस मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। फिर मैंने खड़े खड़े ही वहीं पे गैस ऑन करके तेल गरम करने के लिए रखा, उस पर फिर मैंने लहसुन छीना और फिर प्याज और सब्ज़ी को अच्छे से धो लिया था। वो धो देते ही मैंने मतलब गैस शुरू रखते ही मैं कर देती हूँ, तेल अच्छा गरम करती हूँ और उसके बाद ही सब कुछ प्रोसेस करती हूँ। फिर मैंने प्याज लिया, मतलब सब्ज़ी लिया, सब्ज़ी लेने के बाद उसको धो लिया, फिर मैंने प्याज लिया। बार बार मैं ऐसे फर्श को पोंछती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने प्याज लिया, ये इतनी स्पीड में नहीं है, धीरे धीरे, आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इसको अच्छे से धो लिया, फिर मिर्ची ले लिया, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी सब्ज़ी के अंदर और जल्दी जल्दी मैंने बना लिया। मेरा एक ही मतलब है ये बताने का कि सब लोगों को लगता है कि बहुत इजीली बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत मेहनत होती है यार, बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते इतनी मेहनत होती है। वीडियो बनाओ फिर उसको वॉइस ओवर दो, सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक जगह चावल तो बन चुके थे, फिर दूसरी साइड सब्ज़ी का भी मैंने धीरे धीरे बना ही लिया और हो गई नॉर्मली, 15-20 मिनट में सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैंने शुरू किया बर्तन एंड ऑल, बहुत सारे बर्तन थे, धीरे 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 करके मैंने धो दिए। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है इस वजह से आपको इतना फास्ट में दिख रहा है, बट बहुत टाइम लगता है मुझे जब तक मैं अच्छे से बर्तन ना धो लूँ। 2-3 बार मैं मतलब धो लेती हूँ नॉर्मली, जो मतलब ना नॉर्मल इंसान जो जितना अच्छा काम करते हैं ना वैसे मैं काम कर लेती हूँ। और पूरा मतलब पूरा जो कट्टा है, किचन कट्टा, उसको मैं रोज़ धोती हूँ रात में सोने के टाइम के पहले, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी उसी पे कोई प्याज या कुछ भी मैं करती रहती हूँ। और मेरे को ऐसे नल बंद करके काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं शुरू रखती हूँ अच्छे से पानी में धो के सब कुछ करती हूँ। और धीरे धीरे सब मेरा काम हो रहा था, उसके बाद में फिर मुझे याद आया कि मैंने इडली जो होती है उसका बैटर मैंने भिगो के रखा है, तो उसको मुझे पीसना था। ये बहुत दिन से मेरा पड़ा हुआ था, मैंने थोड़ा शिफ्टिंग कर लिया, दूसरा रूम मैंने रेंट पे लिया है तो गंदा हो चुका था, तो उसको यूज़ करने के पहले मैंने उसको अच्छे से धो लिया मतलब पोंछ के क्लीन करके फिर क्लीन किया। और उसके बाद में फिर मैंने बैटर ले लिया और बैटर का मतलब डो जो रहता है वो जिसमें मुझे डालना था वो बर्तन एक्चुअली धोने में था, मतलब धोना था, फिर मैंने धो के ले लिया, फिर मैंने पूरा बैटर डाल दिया जिसमें मुझे रखना था। और फिर मुझे याद आया कि यार मेरे पास ये ही नहीं है, मतलब सोडा जो डालते हैं वो ही नहीं है, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, मैंने कहा सुबह देख लेंगे क्या करना है। फिर मैंने अच्छे से सब कुछ बाकी का साफ़ कर लिया, रख दिया जो चीज़ जहाँ पे थी उसको जगह पे रख दिया, फिर इधर उधर से जो भी छोटे मोटे काम थे मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं सोच में थी कि इसके बाद खाना खाना और फिर सोना, दो मतलब नॉर्मली 1:30-2 बज गया था मुझे सोने में, खाना खा के, क्योंकि खाना खाती मैं तुरंत सो नहीं सकती थी। फिर 2 घंटे के बाद फिर मैं सोई और सुबह भी मेरी जो भी है मॉर्निंग वाली जितने भी वीडियोस होती है वो बनाने के लिए मैं प्रिपेयर हो गई। सो आपको